हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो देख लीजिए कहाँ पे सोए थे हम लोग, बाहर में, क्योंकि रूम अंदर बहुत गर्मी रहता है ना। ये देख लीजिए बाहर में सोते हैं। बने करके गोठिया सुना ही नहीं। बने करके गोठिया दे। क्या तो दोस्तों, धूप भी आ गया लेकिन नहीं उठ रही है। ओए, उठ उठ उठ। तो दोस्तों, रात को नींद नहीं आ रहा था, इतना गर्मी। बाबा रे, फिर बाहर में हम लोग सो रहे थे, सभी लोग बाहर में सोए थे। गांव में तो ऐसे भी बाहर में सोते हैं, धूप महीना में ना। सोना को दे दे भाजी। उठो उठो उठो, चलो ऊपर में बांध देना, अच्छा से खा पाएगा। हो गया तकलीफी, खा दे आराम से खा। अरे हो रहा ऊपर, किससे करता है? कैसे खा रहा देख लीजिए। कैसे कचल कचल कर दे। तो दोस्तों, आज सोसाइटी गई है मम्मी, और इसको देख लो, चाय बेच रहे हैं मोनू। कहाँ बेचने गया था, गांव तरफ गया था क्या? मोनू चाय बेच रहा है। दो रुपए, 40 रुपए टोटल पैसा बताना कितना? 40 रुपए 240। 200 रुपए का बेच लिया। कितना कब बेचा? 300 कप में 200 रुपए मिला। नीनी, मैं और मोनू के पापा इधर मैं बैठी हूँ, तो हम लोग सो के उठ गए हैं दोस्तों। नहाए नहीं हैं अभी, बाहर में सोए थे और मम्मी गई है सोसाइटी। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के, देख लो पट्टा बिछा दिए हैं और ये पेड़ के नीचे में बैठ के खेल रहे हैं। कौन चाय दूँ? तो मोनू चाय बेच रहे हैं। तो उसमें तो पानी वाला चाय है यार, वो पानी वाला चाय पूरा चीनी मिला रहा है उसमें, देख लो नीचे से उठा। मीठा डाले, खट्टा मीठा चाय, मसाला वाला चाय, खट्टा मीठा चाय। मोनू का कौन कौन पीना चाहते हो आ जाना दोस्तों, तो और ऐसे ही ये करते रहते पूरा दिन। बताना पहले, अब पूरा चाय वाला आवाज भी आता है, इसको छीरे मत की खट्टा था। अच्छा नहीं लग रहा है, फेंक दो। अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे चाय बनाते है? तो चाय वाला नहीं है, तो चाय वाला नहीं है, इसलिए तेरे को पैसा नहीं दिया। मोनू चाय बेचते हुए ना, मोनू
एल ले बेच दिया रे एल ले। ये बेटा नहीं गिरा रे, नहीं गिरा पट्टे में, नहीं गिरा, गंदा होगा, हो गया, गुस्सा हो गया मोनू। इधर पानी डाल, पानी डाल रहा है पूरे पट्टे में। मत कर मत कर मत कर, तो क्लीन करना पड़ेगा दोस्तों। एक खरगोश भीग जाएगा बेटा, मत कर वैसे, मत कर रहे, झाड़ू आने बजाओ। अच्छा नहीं लगा तो अच्छा लगा, अच्छा लगा चाय, टेस्टी चाय। कैसे लगा? सीढ़ी में पाया था, देखो इधर काला हो गया है, फिर सीढ़ी में आया, चुपके चुपके मामा का था, रो गया, ऐसे रो गया, ऐसे रो रहा था। तू चलते चलते आ रहा था तो नहीं रो रहा था? हाँ, दर्द नहीं, दर्द था ना चले। अब मम्मा को देख के दर्द दे दिया? देखे मम्मा को देखने के बाद दर्द चालू हो जाता है। तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देख लीजिए बाहर पे अभी बैठे हुए हैं, शाम का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा पानी गिर रहा है दोस्तों, और ये मैं पेड़ के नीचे में बैठी हूँ तो मेरे को उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन पानी गिर रहा है। और अभी जस्ट मार्केट से आए हुए हैं, ये देख लीजिए, पर्स भी अभी तक अंदर नहीं ली हूँ, और ये है पूरा सामान जो कि मार्केट से लेके आ गए हैं। तो अभी इसको लेके चलते हैं घर। तो पकड़ो क्या बेड को, तो पानी गिर रहा है दोस्तों, देख लीजिए बूंदी बूंदी पानी गिर रहा है, तो बेड को अभी लेना पड़ेगा अंदर। ए रुक जा बेटा, उधर 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 मम्मी पापा ला रहे खटिया। तो ये कुछ एक छोटा सा दाना हो गया है मेरे फेस के, मतलब होंठ के साइड में, तो अजीब सा लग रहा है। अयो सारा खटिया इधर ही है, देख लो पानी गिर रहा है। तो ये वाला बेड तो इधर ही है जो, तो देख लो दोस्तों जल्दी जल्दी बेड ला रहे क्योंकि पानी गिरा, देख लो जमीन भी गीला हो गया। किधर रखेंगे? नहीं नहीं इटा के डेरी नहीं बेटा, इटा के डेरी नहीं, नहीं जा बेटा, नहीं जा, उतना नहीं गिरा, गिरने से भी कुछ नहीं होगा, पट्टा है भीग जाने से, लकड़ी का है ना। तो देख लो मनु के पापा कैसे लेके आए हैं। तो दोस्तों हमारे सीजी वाला व्लॉग एक डालेंगे, अभी शूट करेंगे उसको भी, और उसके बाद में उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, फर्स्ट व्लॉग आएगा छत्तीसगढ़ी में है ना, हम शूट करेंगे ना। हेलो दोस्तों बोलेंगे नहीं, हम लोगों को अच्छे से नहीं आता है बोलने के लिए, भले ही हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, लेकिन ऐसे ब्लॉगिंग नहीं किए हैं छत्तीसगढ़ी में ही, कोई हिंदी में ब्लॉग करने का आदत हो गया है, तो प्योर छत्तीसगढ़ी नहीं है हमारा छत्तीसगढ़ी, क्योंकि हम लोगों का उड़ीसा बॉर्डर पड़ता है इधर, बसना तरफ है हमारा गांव, तो इधर पास में उड़ीसा भी है, तो हमारा छत्तीसगढ़ी जो है वो प्योर नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। देखो अरे वाह, मैं तो कितनी सुंदर लग रही, वाइट वाइट मेरा फेस कितना वाइट लग रहा, ये फुंसी सा हो गया, यहाँ पे एक निकला है फुंसी, एक यहाँ पे निकला है, एक दो तीन यहाँ पे निकला है छोटा छोटा, तो ये सब गर्मी की वजह से। तो मोनू बोल रहे हैं पानी गिर रहा है। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट डे सुबह, क्योंकि शाम को पानी गिर रहा था, तो मोनू मेरे को पानी ला के दे रहे हैं क्योंकि मैं केक खा रही थी। अयो क्यों चिल्ला रहे हो रे? तो दोस्तों अभी सुबह है और अभी पानी नहीं गिरा है, आज कल गिर रहा था थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद बंद हो गया था, ज़्यादा नहीं गिरा। गर्मी में क्या दिन में इधर ऐसे ही होता है, पानी थोड़ा बहुत गिरता है, कभी गिरता है तो कभी नहीं गिरता। तुम लोगों का ये ले जा, पूरा घर में सब तरफ केक गिरा दिए हैं, क्योंकि अनन्या का बर्थडे था तो लोग केक दिए थे, सबको खा के गिरा दिए दोस्तों। और मैं भी अभी सोए सोए एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि ऐसे ही मतलब मूड नहीं हो रहा था कुछ करने के लिए, नाश्ता वगैरह कर ली हूँ, सुबह का टाइम है अभी। और ये वाला जो मेरा
इसको मैं घर में छोड़ के जाती हूँ। मेरी मम्मी 100 रुपये में ले ली थी, ये नाइटी देख लो 100 रुपये का है ये नाइटी, तो आता है ना ऐसे, तो मेरी मम्मी इसको ले कर रखी थी, फिर मेरे को दी पहन लो, तो मैं बोली चलो मम्मी का चॉइस का है पहन लेती हूँ ना। ऐसे भी घर में कुछ अभी गर्मी के दिन में कुछ हैवी कपड़ा पहनने के लिए भी मन नहीं लगता, तो सस्ता है काफ़ी ये। और अभी मैं क्या करूँगी, वीडियो अपलोडिंग करूँगी और ये छोटा छोटा क्लिप मैं बना बना के रखे रहती। गांव में बहुत सुकून है दोस्तों, गांव में अच्छा लग रहा है, वहाँ तो शहर में सारा किधर से हवा तक नहीं आता, यहाँ तो पेड़ पौधे देख के मैं थोड़ा तबीयत जहाँ वहाँ हैवी लगता था, चक्कर आते थे, एकदम अजीब सा भी लगता रहता था, गर्मी इतना खाने की इच्छा नहीं होता था ज़्यादा गर्मी की वजह से, यहाँ तो अच्छा लग रहा है, उतना ज़्यादा मतलब फील नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ दिन जो हमारा काम है वो निपट जाएगा, उसके बाद फिर से हम लोग चले जाएंगे, वोट वगैरह हो जाएगा 26 तारीख को, फिर उसके बाद वोट वगैरह दे के फिर से चले जाएंगे, फिर वही खेती पीटी जिंदगी, बेकार से लगता है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।